अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक हाउसवाइफ हैं या फिर एक एम्प्लॉय हैं, इसके साथ ही साथ आप एक अच्छी जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तलाश कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें डिटेल जानकारी, इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम्स के शेड्यूल तक, इसकी एलिजिबिलिटी, इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी का डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये कोर्स जो है आपका नीलिट, जो पहले डॉक के नाम से जाना जाता है, हाँ। उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नीलिट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जबकि डॉक का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। यह जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ यह ISO 9001 से रिकॉग्नाइज है। इस संस्था के अंतर्गत कई प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। यह कोर्स आपका शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोर्स करवाए जाते हैं। ये कोर्स है आपका CCC, O-Level, A-Level, B-Level एंड C-Level। हम लोग एक एक करके सभी कोर्स का डिटेल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन के शेड्यूल्स को जान लेते हैं। तो यह जो है साल में दो बार एग्जाम्स लेती है, एक जनवरी और दूसरा जो है आपका जुलाई में। जनवरी एग्जाम्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। अगर आप ओ लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका 30 जून तक होगा और जुलाई एग्जाम के लिए 31 दिसंबर तक। जबकि अदर जो कोर्सेस हैं ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, इसके लिए जनवरी एग्जाम में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 31 जुलाई तक। जबकि जुलाई के एग्जाम में आप अपेयर होना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 31 जनवरी तक। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है आपका नीलिट जो है साल में दो बार थ्योरी का एग्जाम्स लेती है। अगर आप जनवरी के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वह प्रारंभ होगा 1 सितंबर से, जबकि इसका लास्ट तिथि है विदाउट एनी लेट फाइन 31 अक्टूबर तक और लेट फाइन के साथ 10 नवंबर तक। और एग्जाम जो है वह आपका जनवरी की 2nd सैटरडे को होगी, जबकि जुलाई एग्जाम के लिए शेड्यूल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि आपका 1 मार्च, विदाउट एनी लेट फाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि है 30 अप्रैल, लेट फाइन के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तिथि है आपका 10 मई और एग्जाम जो है आपका जुलाई के 2nd सैटरडे से प्रारंभ होगी। अब हम लोग वन बाय वन सभी कोर्स के डिटेल्स को जानते हैं। तो पहला जो है आपका CCC, जिसे हम लोग कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहते हैं। यह जो डिजाइन किया गया है नीलिट यानी डॉक सोसाइटी द्वारा, इसके अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हैंडलिंग, विंडो एनवायरनमेंट, इंटरनेट टूल्स, ये सब के बारे में बताया जाता है। और इसके लिए आपका जो एजुबिलिटी है इसमें किसी प्रकार का एकेडमिक नहीं है, सिर्फ आप में इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और इसका ड्यूरेशन है 2 मंथ, यानी यह एक शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अब हम लोग देखते हैं O-Level फाउंडेशन कोर्स है रॉयल सोसाइटी का, यानी नीलिट का यह फाउंडेशन कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका 10+2 या फिर फर्स्ट ईयर्स ऑफ ITI सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी है तो आप O-Level के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस कोर्स का अवधि है 1 वर्ष यानी 6 महीने की 2 सेमेस्टर। और इस कोर्स में आपके 4 थ्योरी पेपर होगा, 1 प्रैक्टिकल पेपर और 1 प्रोजेक्ट होगा। इस कोर्स करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट जैसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है डॉक सोसाइटी का यानी नीलिट का जो नेक्स्ट कोर्स है वो है A-Level। A-Level O-Level से एडवांस है। यह एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इक्विवेलेंट है। इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है आपका O-Level या फिर ग्रेजुएशन या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। और इसके लिए जो अवधि है 1.5 ईयर्स यानी 6 महीने की 3 सेमेस्टर। इस कोर्स के अंतर्गत 10 थ्योरी पेपर है। अगर आप O-Level के बाद E-Level करते हैं तो आपके लिए केवल 7 थ्योरी पेपर होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट भी है। A-Level के स्टूडेंट के लिए जो करियर अपॉर्चुनिटी है वह है प्रोग्रामर का, असिस्टेंट डाटा मैनेजर, टीचिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर या फिर हाईकोर्ट में
आर ओ या फिर ए आर ओ जैसी वैकेंसीज में इसकी मान्यता होती है। डोएक और नीलिट का जो नेक्स्ट कोर्स है वह है बी लेवल। बी लेवल जो है वह रिकॉग्नाइज है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और यह MCA डिग्री की इक्विवेलेंट है। बी लेवल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो एजिलिटी हुआ है ए लेवल या ग्रेजुएशन या PGDCA या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इनमें से कोई भी एक है तो आप बी लेवल में एडमिशन करवा सकते हैं। और इस कोर्स का जो अवधि है वह 2.5 ईयर्स है यानी 6 महीने की 5 सेमेस्टर। और इसका जो सिलेबस है इसमें टोटल 25 थ्योरी पेपर है। अगर आप ए लेवल करने के बाद इस कोर्स को करते हैं तो आपके केवल 15 थ्योरी पेपर होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट भी होगा। इस कोर्स करने के बाद आपको UPSC में होने वाले IT प्रोग्रामर, SBI स्पेशल ऑफिसर, CRI गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, बैंकिंग सर्विस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हेल्थ इत्यादि सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट और जो लास्ट है आपका वह सी लेवल है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। इस कोर्स से संबंधित चाहे इसके रिकॉग्नाइज से हो, इसकी एलिजिबिलिटी से हो, चाहे इसे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें वीडियो को और मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस कोर्स के बारे में आपके दोस्त भी जान सकें। और इसी तरह से कोर्स रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।